नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर भगत की कोठी हुई गुदमा, गोंदिया के पास बेपटरी, दो यात्रियों को पहुंची चोट। नारायण चंदेल बने छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष, राज्य में सत्ता हासिल करने भाजपा ने चला बड़ा दांव। शहर में देह व्यापार का पुलिस ने किया पर्दाफाश, तहसील कर्मचारी समेत 6 गिरफ्तार। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां हुई तेज, प्रतिमाओं को मूर्तिकार दे रहे आकार। और पुत्र की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा हल षष्ठी का व्रत, शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में होती रही पूजा पाठ। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को बिलासपुर से रवाना हुई बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 20843 बुधवार की रात करीब 1:20 पर ट्रेन के कोच S3 के चार पहिए गुदमा गोंदिया स्टेशन के बीच पटरी से उतर गए। घटना में दो रेल यात्रियों को मामूली चोटें पहुंचने की जानकारी रेलवे के अधिकारियों ने दी है। CPRO साकेत रंजन के मुताबिक घटना के तुरंत बाद रिलीफ ट्रेन और नागपुर रेल मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पटरी से उतरी ट्रेन को वापस पटरी पर लाया और घायल दोनों मरीजों का उपचार करने के बाद उन्हें उसी ट्रेन से सुबह 8 बजे गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। दक्षिणपुर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843 का रात 1:20 में ड्रेलमेंट हुआ। इसमें एक बोगी के दो व्हील में ड्रेल हुए और इसमें दो पैसेंजर्स को मामूली चोट आई। इनका इलाज हमारे डॉक्टरों ने गोंदिया में ARME में कर दिया और सारे पैसेंजर्स का भी चेकअप किया गया। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं थी और इन सारे लोगों को, इंक्लूडिंग 2 पैसेंजर्स, इनको सारे लोगों को उसी ट्रेन से आगे की ओर रवाना कर दिया गया। नए खुले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में संविदा शिक्षक भर्ती की जा रही है। बुधवार को पात्र उम्मीदवार अपने दस्तावेजों की जांच कराने पहुंचे। पहले दिन शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए प्रक्रिया पूरी की गई। संविदा भर्ती के लिए कई क्वालिफाइड उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। शहर में 3 नए खुले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए 444 आवेदकों को पात्र पाया गया है। इन उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कराने बुलावा भेजा गया था। सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो भी पात्र आवेदक जो प्राप्त हुए थे, उनके अभिलेखों का सत्यापन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में किया जा रहा है और कल से 3 दिन तक 18, 20 और 21 3 दिन तक व्याख्याता के पदों पर और अंतिम दिन जो बाकी दिवसों में जो छूटे रहेंगे उनको मौका दिया जाएगा आखिरी दिन 21 को। इस प्रकार ये सत्यापन होने के बाद जिनका अभिलेख सही पाया जाएगा इसके बाद मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में उम्मीदवार अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए। 2 सदस्यों वाले 15 टेबल लगाया गया। यहां क्रमवार जांच के लिए उम्मीदवार पहुंचे। शिक्षक के लिए 1657 आवेदन मिले थे, जिसमें से केवल 242 पात्र पाए गए। इसी तरह सहायक शिक्षक के 1434 आवेदनों में 202 पात्र पाए गए। सभी पात्र उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने बुलाया गया था। व्याख्याता के 2627 पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 3 दिन चलेगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ऑनलाइन सिस्टम ने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लाइन में लगकर धक्के खाने को मजबूर कर दिया है। स्टूडेंट्स प्रवेश फीस का चालान पटाने के लिए बैंक में कतार पर लग रहे हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स को 4 घंटे से भी अधिक समय लग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने कुछ वर्ष पूर्व कॉलेज की फीस सहित शुल्क पटाने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स फीस ऑनलाइन भरकर चालान बैंक के माध्यम से पटाते हैं। प्रवेश फॉर्म भरकर फीस का चालान पटाने के लिए स्टूडेंट्स दिन भर लंबी लाइन में खड़े रहे। स्टूडेंट्स का कहना है कि एक ही खिड़की होने के कारण लंबी लाइन लग रही है।
बैंक प्रबंधन को चालान के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। दिगर जिले से आए छात्र छात्राओं को घर जाने की चिंता सताती रही। धूप बहुत ज्यादा है, बस यही दिक्कत है, बाकी लाइन तो चल जाएगा। बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, हम लोग को लेट हो जाएगा और हम लोग बाहर से भी आए हैं। खड़ा हुआ आधा घंटा हो गया है, पर यहाँ तो एक बच्चा ही नहीं जा रहा है, पास नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चे का तो नंबर ही नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। और इसके कारण बैंक वालों को काउंटर बढ़ाना चाहिए, या फिर कॉलेज का फीस पटावा रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा के अभी तो पैसा पटवाने के समय बस वो करना चाहिए, बाकी समय ठीक है। पर अभी दोपहर में इतना धूप में खड़ा करवा दिए हैं, फिर अलग से बच्चा कोई गिर जाता है तो भी परेशानी छे ना सर। स्टूडेंट्स की लंबी लाइन बैंक परिसर से सड़क तक पहुँच गई थी। छात्र छात्राओं को 4 घंटे से भी अधिक समय बाद चालान पटाने का नंबर लग रहा है। इस दौरान स्टूडेंट्स लंबी लाइन में लगकर घंटों धक्के खाने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बेरोजगारी भत्ता और जनहित के कई मांगों को लेकर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम कोटा SDM को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा क्षेत्र के सभी भाजपा मंडलों के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के वादा खिलाफी को लेकर कोटा SDM के जरिए मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की है। जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत की अगुवाई में युवा मोर्चा ने आंदोलन कर शासन से वादा निभाने की मांग की है। 3.5 और 4 साल होने को आ रहा है सरकार को, न तो वो रोजगार उपलब्ध करा रही है, न युवा बेरोजगारों को भत्ता दे रही है। आज की तारीख में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार पे ये प्रत्येक युवा बेरोजगार का 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया हो गया है, जो उनके जन घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था। आज छत्तीसगढ़ में कुल 20 लाख युवाओं का या रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है, और बिलासपुर जिले में भी 1,10,000 रजिस्ट्रेशन है। उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से उनको भत्ता देना चाहिए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो जो वादे के हिसाब से उनको भत्ता देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा SDM कार्यालय का घेराव था एवं रैली कार्यक्रम था, तो इस तारतम्य में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के SDM कार्यालय का घेराव करने यहाँ पे आए थे। क्योंकि आज राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक है, इसलिए SDM साहब बिलासपुर में है, उनके जगह मेरे द्वारा उनसे ज्ञापन लिया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा की सियासत में रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर राज्य में सत्ता हासिल करने का सपना लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता OBC वर्ग पर बड़ा दांव खेल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने के बाद बुधवार को विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की जगह अब विधायक नारायण चंदेल को मौका दिया गया है। पूर्व से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष को भी बदला जाएगा। दरअसल दोनों ही एक ही जिले से होने के कारण भी इस बात को बल मिल रहा था। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का ऐलान हुआ है। मुंगेली में भारतीय किसान संघ ने बुधवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रासायनिक उर्वरक यूरिया, DAP, पोटाश, सुपरफॉस्फेट को खुले बाजार में व्यापारियों द्वारा अत्यधिक मुनाफा लेकर बेचे जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। बिजली कटौती, अधिक वर्षा से फसल को नुकसान, सड़कों की मरम्मत सहित कई मांगों को लेकर किसान संघ ने आंदोलन किया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। भारतीय किसान संघ जिला मुंगेली के द्वारा एक दिवसीय धरना किसान हित में किया गया है। हमारी प्रमुख मांग जिलाधीश से है कि जिले में खाद की कालाबाजारी ताबड़तोड़ हो रही है। किसानों को खाद जो उचित मूल्य में नहीं मिल रहा है, 500-600 प्रति बोरी में व्यापारियों के द्वारा बेचा जा रहा है, जिस पर प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी मांग है कि अभी बारिश ज़्यादा हुई, किसानों की यूरिया का आवश्यकता है, कम दामों में सही रेट में किसानों की यूरिया DAP पोटाश मिला जाए। दूसरी जो मांग है पूर्व में कि मुंगेली जिले में एक शक्कर कारखाना की जो मांग है, शक्कर कारखाना दिया जाए जिससे किसानों को लाभ हो। किसान जो है बिचौलियों के माध्यम से जो 15 क्विंटल के बाद बचत धान 1200-1500 में बेचते हैं, यदि इथेनॉल प्लांट खुल जाता तो वही सरकार जो अभी 15 क्विंटल ले रही है ज़्यादा मात्रा में लेगी। और भारतीय किसान संघ का जैसे मांग है, जो पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ 30-33 क्विंटल प्रति एकड़ तक के जो किसानों का धान सरकार ले रही है, तो यहाँ कांग्रेस सरकार से हम किसानों का भी मांग है कि यहाँ भी कम से कम 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसानों का धान लें। ऐसा
किसान संघ का मांग है। किसान संघ के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के को अपने 7 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय मुंगेली को अपने 6 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसको शीघ्र मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दूंगी। छत्तीसगढ़ में खासकर बिलासपुर के कराते खिलाड़ी अपने जौहर से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। एक बार फिर बड़े उत्साह के साथ जिले के 5 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखाने बुधवार की शाम थाईलैंड के फुकेट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराते चैंपियनशिप में शामिल होने रवाना हुए हैं। टीम के कोच महानंद खेत्रो खिलाड़ियों को लेकर ट्रेन के जरिए कोलकाता जा रहे हैं, वहां से वायु मार्ग के जरिए थाईलैंड पहुंचेंगे। खिलाड़ी और टीम कोच उत्साह से लबरेज हैं, उन्हें भरोसा है कि देश का नाम ऊंचा करेंगे। थाईलैंड फुकेट के लिए रवाना हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के द्वारा जो आयोजित किया गया है, खेल प्राधिकरण थाईलैंड की द्वारा जो आयोजित है, उसमें हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से हम लोग 5 खिलाड़ी रवाना हो रहे हैं। मैं टीम कोच के तौर पर जा रहा हूँ और कलकत्ता में हमारी टीम इंडिया से मुलाकात होगी, जिनके साथ हम थाईलैंड के लिए आगे बढ़ेंगे। सिविल लाइन पुलिस ने देव व्यापार का पर्दाफाश किया है। नगर निगम कॉलोनी के एक मकान से 3 युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में मिले। मामले में पुलिस ने अनैतिक व्यापार अधिनियम की कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि महाराणा प्रताप चौक स्थित नगर निगम कॉलोनी के एक मकान में देह व्यापार चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जब सिविल लाइन पुलिस ने घटनास्थल पर रेड मारा तो वहां 3 युवक युवतियां रंगरलियां मनाते आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तीनों युवक विजय टंडन, मुकेश कटकवार और कलेश कुमार मूलतः जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले हैं, जो यहां महिला दलाल से संपर्क कराए थे। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। एक महाराणा प्रताप चौक में कॉलोनी है, उसमें रेड करने पर एक मकान में अनाधिकृत रूप से अनैतिक व्यापार करते हुए 3 युवतियां थी और उसमें 3 आरोपी थे युवक। तीनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वहां पर कार्रवाई की गई है, उसमें उनके विरुद्ध अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपियों को माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। पकड़ी गई 3 युवतियों में एक महिला दलाल भी शामिल है। तीनों युवक जिस डस्टर कार में बिलासपुर आए हुए थे, पुलिस ने उसको भी जब्त कर लिया है। शहर में अनैतिक कार्य का धंधा काफी समय से फल फूल रहा है। सूचना पर पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन महानगरों की तर्ज पर शहर में भी युवतियां परोसी जा रही हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी बिलासपुर। चाटीडीह के रामायण चौक में रहने वाली युवती के मकान में घुसकर छेड़खानी करने वाले आदतन अपराधी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी विशाल जानोकर निखिल अटल आवास का निवासी है, जो काफी समय से युवती को परेशान कर रहा था। इससे पहले भी युवती ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का अपराध दर्ज कराया था, मगर उसके बाद भी युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ 354, 452 सहित मारपीट और गाली गलौज की धारा के तहत कार्रवाई की है। रामायण चौक की पीड़िता आई थी, जो कल थाने में एक रिपोर्ट लेकर आई है कि विशाल जानोकर करके एक लड़का जो है इसके घर में घुस गया था और इसे छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट पर 354, 452 का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसके पहले भी महिला जो है मई माह में इसके विरुद्ध 354 की रिपोर्ट लिखाई थी। आदतन अपराधी है और लगातार उस महिला को परेशान कर रहा है, विधिवत कार्रवाई की जा रही है। पिछले हफ्ते भूकंप अटल आवास से एक्टिवा वाहन चोरी हुई थी। मामले में प्रार्थी आरिफ रहमान ने सरकंडा थाना में चोरी का मामला दर्ज कराया था। जांच में पुलिस को पता चला कि पास में ही रहने वाले अमिश देवांगन और रोहित कहार ने एक्टिवा वाहन चोरी की है। पुलिस ने आरोपी के निवास से चोरी गए वाहन को बरामद कर दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये प्रार्थी आरिफ रहमान ने 13 तारीख को आकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी स्कूटी चोरी हुई। कल आरोपियों को आरोपी अमीश देवांगन और रोहित पहार इनको गिरफ्तार किया गया है और निरीह के समक्ष गाड़ी बरामद की गई, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर भगत की कोठी हुई गुदमा, गोंदिया के पास बेपटरी, 2 यात्रियों को पहुंची चोट। नारायण चंदेल बने छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष, राज्य में सत्ता हासिल करने भाजपा ने चला बड़ा दांव।
शहर में देह व्यापार का पुलिस ने किया पर्दाफाश, तहसील कर्मचारी समेत 6 गिरफ्तार। गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां हुई तेज, प्रतिमाओं को मूर्तिकार दे रहे आकार। और पुत्र की दीर्घायु के लिए माताओं ने रखा हल षष्ठी का व्रत, शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में होती रही पूजा पाठ। गणपति के आगमन की तैयारी शहर के हर गली मोहल्लों में जोर शोर से चल रही है। इधर मूर्तिकार गणेश की नैनाभिराम प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से गणपति उत्सव फीका रहा। हालात सामान्य होने के बाद मूर्तिकार इस बरस उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बार कोरोना काल के बाद सभी त्योहारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद हुई कांवड़ यात्रा में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। अब 31 अगस्त से शुरू होने वाले गणपति महोत्सव से भी मूर्तिकार आस लगाए बैठे हैं। उनको उम्मीद है कि फिर से गणेश महोत्सव उसी धूमधाम से मनाया जाएगा जैसा कि पहले हुआ करता था। इसकी तैयारी में मूर्तिकार जुट गए हैं। इस बार शहर में 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की मूर्ति बनाई जा रही है। इस बार उम्मीद है, कस्टमरों की मांग है, लेकिन सब फैंसी मूर्ति चाहिए सभी को, कुछ अलग डिजाइन से रहे मूर्तियाँ, तो कस्टमर आकर्षित होते हैं, वो मूर्तियाँ लेते हैं। तो हम लोग पूरे मेहनत लगन से लगे हुए सब अलग अलग डिजाइन से बना रहे मूर्ति, सब नया प्रकार से, आप देखे भी होंगे। तो मूर्ति का डिमांड तो लग रहा है, अब देखो जैसा पिछले बार से मार्केट और 2 साल से जो रहा है उससे उम्मीद लग रहा है कुछ उभर पाएंगे अपन, लेकिन मार्केट के ऊपर में है। और जो है मूर्तियाँ तो सब अपने हिसाब से हम अच्छे ही बना रहे हैं, जो बाहर में फ्री में फेंका जाता है उसको हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं। बांस वगैरह हर चीज़ की रेट बढ़ गया है, उस हिसाब से मार्केट में मूर्तियाँ की रेट थोड़ी बढ़नी चाहिए। डिजाइनर मूर्ति की मांग है, यही कारण है कि मूर्तिकार भगवान गणेश के आसपास प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधे, जानवर आदि का चित्रण कर रहे हैं जिससे ये आकर्षक बन पड़े। महंगाई ने मिट्टी को आकार देने वाले कलाकारों पर भी असर डाला है। 2 साल मुश्किल हालात में गुजर कर चुके मूर्तिकार इस बरस गणेश चतुर्थी को लेकर आशान्वित है। 1 सप्ताह बाद प्रतिमाएं तैयार हो जाएगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। अब तक सतर्कता डोज नहीं लगवाने वाले निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम मौका दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन कर्मियों को टीका नहीं लगा है उन्हें ड्यूटी पर न बुलाया जाए, टीका लगने के बाद ही काम पर आने कहा जाए। स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल प्रबंधन को बार बार नोटिस जारी कर अपने सभी कर्मचारियों को टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिए और उसकी सूची भी देने को कहा है। इसके बाद भी निजी अस्पताल के ज़्यादातर कर्मचारियों ने अभी तक सतर्कता डोज नहीं लगवाया है, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों को सभी डोज लेने जरूरी हैं। सभी नर्सिंग होम को भी ये हिदायत भी दी जा रही कि अपने जो भी स्टाफ बचे हुए हैं प्रिकॉशनरी डोज के लिए वो डोज अवश्य लगाएं, 100% लगाएं, और स्टाफ के परिजनों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये 30 सितंबर तक के चलेगा जो फ्री डोज लग रहा है, उसके बाद फिर पैसे लगेंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारा टारगेट भी पूरा हो जाए और लोगों को इसका लाभ भी मिले। 25 मई को तंदूरी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट का संचालक निखिल गुप्ता अपनी स्कूटी में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री के लिए रखा हुआ था। इस बात की सूचना कोटा पुलिस को मिली। तत्काल पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ना चाहा, मगर आरोपी निखिल अपनी स्कूटी छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने स्कूटी से बियर और व्हिस्की बरामद कर आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी तरह एक अन्य मामले में शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक जागेश सिंह जगत की कोटा पुलिस को तलाश थी। इन दोनों मामलों में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक कमर छठ, जिसे हल षष्ठी भी कहा जाता है, बुधवार को पारंपरिक उत्साह और विधिवत मनाया गया। मंदिर सहित गली मोहल्लों में सामूहिक रूप से पुत्र की दीर्घायु और खुशहाली के लिए माताओं ने हल षष्ठी का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया। निर्जला व्रत रखकर अपने संतान की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए जगह जगह सगरी बनाकर गौरी गणेश की पूजा अर्चना की गई। पूजा से लौटने के बाद माताओं ने अपने बच्चों के कमर पर पीली पोती लगाकर उनके दीर्घायु की कामना की। इसके बाद पसहर चावल और 6 तरह की भाजी और दही खाकर अपना व्रत तोड़ा। अपने बच्चे के लिए निर्जला उपास रहते हैं, अपने अपने बच्चे भविष्य के लिए, लंबी उम्र के लिए मनोकामना करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से,
और हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद भी मिलता है यहाँ से। अपने अपने हम लोग यहाँ पूजा पाठ करके अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ हलकष्टमी मैया की पूजा करने आए हैं। आज हलषष्ठी व्रत है जिसकी सब महिलाएं, हम सब महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी कामना करने के लिए उपवास रखते हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की दिल से पूजा करते हैं और हलषष्ठी माता को मनाते हैं कि हमारे बच्चों को सदा खुश रखें और हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ में आगे रहें, हर पढ़ाई लिखाई सब चीज़ में आगे रहें, उसकी कामना करके हम सब महिलाएं अपने बच्चों के प्रति ये उपवास करते हैं। हलषष्ठी का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास से मनाया गया। माताओं ने संतान की लंबी आयु, सुखमय जीवन के लिए व्रत रखा। वहीं पूजा करने के स्थान पर सगरी खोदकर पूजन की। इसके लिए उपयोगी सामग्री खरीदने बाजार में महिलाओं की भीड़ रही। शहर की गलियों व गांवों में पसहर चावल की खूब बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में चावल व पूजन सामग्री का भाव बढ़ा हुआ था। बावजूद इसके माताओं में उत्साह दिखा। संतानों की दीर्घायु की कामना को लेकर उन्होंने कमरछठ पर्व का कठिन व्रत रखकर पूजा अर्चना किया। इस पर्व पर उपास तोड़कर खास अन्न पसहर चावल का सेवन किया जाता है। यह चावल सप्ताह भर पहले बाजार में पहुंच गया था। शहर के अलग अलग स्थानों और दुकानों में यह चावल बिका। पूजन सामग्री खरीदने बड़ी संख्या में महिलाएं बाजार पहुंची। व्रत व पूजा के लिए एक व्रती को 6 नग दोना, 2 पत्तल, 3 दातून, 6 खुला पत्ता, 1 कांसी फूल की जरूरत पड़ती है। वहीं भैंस का दूध, दही, घी व लाई व 6 प्रकार के भाजी को अनिवार्य रूप से शामिल करना होता है। विधिवत पूजा कर रही महिलाओं ने बताया कि संतान की दीर्घायु का वरदान इस पूजा से मिलता है। हलषष्ठी का व्रत है, इसको महिलाएं अपने संतान के लिए, विशेष तौर पर पुत्रों के लिए रहती है। इस दिन महिलाएं खेत में हल चले वाले हिस्से में न चलती हैं, न जाती हैं, न ही खेत में हल चले हुए अनाज को खाती हैं। इस दिन महिलाएं पानी में उगे हुए चावल को, जिसे पसहर चावल कहते हैं, वो खाती हैं। ये जो उपवास है इसमें गाय का दूध, दही, घी कुछ भी उपयोग नहीं करती हैं, सिर्फ भैंस का दूध, दही, घी उपयोग करती हैं और हलषष्ठी माता से अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की शुभकामना करती हैं। आज यहाँ पे हलषष्ठी व्रत का पूजा हो रहा है और ये व्रत हम लोग अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखते हैं और हर साल इसका पूजा पूरा छत्तीसगढ़ में स्त्रियां अपने बच्चे के लिए रखती हैं। ये हमारे संतानों की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। ये और सभी स्त्रियां अच्छे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करती हैं और अपने बच्चों की दीर्घायु की पूजा करती हैं। बता दें कि पसहर चावल बिना हल के ही खेतों में पैदा होता है। हलषष्ठी के पर्व पर इस चावल की मांग अधिक होती है। माना जाता है कि व्रत तोड़ने के लिए इस चावल को खाना पुरानी परंपरा है। कमरछठ पर्व को महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ मनाया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बुधवार को कमरछठ की धूम रही। शहर से लेकर गांव तक माताओं ने अपने बच्चों की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस पर्व को मनाया। निर्जला व्रत रहकर महिलाओं ने मोहल्लों में सामूहिक रूप से एक छोटा तालाब बनाकर उसमें गंगा जल, दूध, पानी, पुष्प डालकर पूजा करती हुई दिखाई दी। तखतपुर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पूरी श्रद्धा के साथ महिलाओं ने ये पर्व धूमधाम से मनाया। रतनपुर में भी हलषष्ठी का पर्व बड़े ही उल्लास पूर्वक और विधि विधान के साथ मनाया गया। व्रत है, आज के दिन हर माता अपने बच्चों के लिए करती है। इस दिन माँ सुबह से उपवास रहकर बिना कुछ खाए पिए पूरा माँ का, पूरा हलषष्ठी मैया का पूजा करती है। वो उसमें कांस का पेड़ का लगाया जाता है और उसका पूजा किया जाता है। इस दिन पसहर चावल के भात का बहुत महत्व है, उस दिन उसको चढ़ाया जाता है और उसी चावल उपवास रखे यार, बच्चा के लंबी कामना के लिए, लंबी उम्र की कामना करने के लिए भैंस के दूध, दही, घी का पूजा होते, पसहर चावल चढ़ाए जाते, बनावटी तालाब बना कर पूजा किया किए जाते और जाते भाजी खाते, पसहर के चावल का भोग करके उपास लग तोड़े जाते। जी, हलषष्ठी का पूजा हम लोग
भादो महीने के कृष्ण पक्ष की हलषष्ठी के तिथि के दिन करते हैं। सभी महिलाएं एकजुट होकर हम लोग बनावटी तालाब बनाकर उसका पूजा करते हैं। यह सर्वप्रथम देवकी माता ने कृष्ण जी को पाने के लिए सर्वप्रथम हलषष्ठी व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से देवकी माता ने श्री कृष्ण को पाया था। और इस दिन हम सभी महिलाएं मिट्टी के खिलौने, माटी भरे आदि बनाए जाते हैं और उसको पूजा किया जाता है। षष्ठी देवी की पूजा के लिए सर्वप्रथम सुबह उठ करके स्नान करके भैंस के गोबर से लिपाई करके वहाँ पे चौक वगैरह बनाए, रंगोली से सजाए पूरे आंगन को। उसके बाद एक तालाब बनाए, वहाँ पर तालाब बना करके हम सब महिलाएं एकजुट होकर के यहाँ पे हलषष्ठी देवी का पूजन कर रहे हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है हमको। आयुष्मान कार्ड अनिवार्यता को लेकर कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के बाद बुधवार को निजी और शासकीय नर्सिंग होम और अस्पतालों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि कई निजी नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड की सुविधा होने के बावजूद मरीजों से चिकित्सक रुपए ऐंठ रहे हैं, जिसके चलते गरीब मरीजों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि अब निजी सहित शासकीय अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। दिनांक 17 को कल टीएल में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी जितने भी नर्सिंग होम हैं, प्राइवेट और शासकीय भी है, उनमें उन सभी में आयुष्मान कार्ड बनाना अनिवार्य है और जब ताकि गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।